नमस्कार, कोई ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को इनेबल करना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि अगर आपके फ़ोन में गूगल क्रोम डिसेबल हो गया है तो उसको आप इनेबल कैसे कर सकते हैं? तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर है। मोबाइल पे आने के बाद अगर आपके फ़ोन में गूगल क्रोम डिसेबल हो गया है, आपके फ़ोन से गूगल क्रोम डिलीट हो गया है और आपके फ़ोन में कहीं पर भी गूगल क्रोम नहीं दिख रहा है और आप अपने फ़ोन में गूगल क्रोम को इनेबल करना चाहते हैं, उसको लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गूगल क्रोम सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल क्रोम दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक इनेबल का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इनेबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके फ़ोन में गूगल क्रोम इनेबल हो जाएगा, यानी कि गूगल क्रोम आपके फ़ोन में आ जाएगा। अगर आपके फ़ोन में वहाँ पर इनेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में एक ऐप्स या ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखेगा। सभी फ़ोन में यह ऑप्शन अलग अलग होता है, तो आपके फ़ोन में जो भी ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। तो चलिए, हमारे फ़ोन में ऐप्स का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक डिसेबल्ड ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक डिसेबल्ड ऐप्स में यहाँ पर आपको गूगल क्रोम को ढूंढ लेना है। उसके बाद आपको गूगल क्रोम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक इनेबल का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इनेबल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके फ़ोन में गूगल क्रोम आ जाएगा, यानी कि जो डिसेबल हो गया था यहाँ से इनेबल हो जाएगा और जो आपके फ़ोन में गूगल क्रोम नहीं दिख रहा था, डिलीट हो गया था, यहाँ से इस तरह से वापस आ जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।